हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इसी कड़ी में हमारे साथ बारा के नारेड़ा से पधारे लालचंद सुमन, ये कविता पाठ करते हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, इनसे बात करते हैं। लालचंद जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। लालचंद जी, अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और कब से आपने ये काव्य पाठ करना शुरू किया? हमारे गांव में स्कूल में पढ़ने जाते थे ना, जब हमारे गुरुजी बाबू बंजारा जी, उन्होंने कविताएं लिख लिख के दी थी हमें, तो उस दौरान ये कविता लिखने का शौक वहाँ से लग गया ही। अच्छा, तो जब से ही हम कविता लिखना कर दिया चालू, और मंचों के माध्यम से, छोटे छोटे मंचों के माध्यम से हम बोल रहे हैं जब से। अच्छा, लालचंद जी, जब पहली बार आपने कविता पढ़ी होगी किसी मंच पे या काव्य गोष्ठी में, तो कैसा लगा था आपको? ऐसा लगा जैसे मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, वो शांति मिलती थी दर्शन करने के बाद। उसी तरह अगर कविता बोलने से वो शांति अगर इस तरह से मिलती है, तो ऐसा महसूस हुआ मेरे को कविता के माध्यम से। मन को इतना शांत करती थी कविता, तो हम कविता ही बोलते रहे। तो जो आप काव्य गोष्ठियों में जाते थे, तो वहाँ कौन कौन से कवि या साहित्यकार आपको मिलते थे और उनसे आपको कुछ सीखने को मिलता था? हाँ, बारह में काव्य गोष्ठियों में जाते थे, तो बारह के आसपास के ग्रामीण अंचल के सारे कवि अपनी अपनी कविताएं, तो कोई किसी विधा में लिख रहा है, कौन किसी विधा में लिख रहा है, सब अपनी अपनी रचनाएं अपने हिसाब से लिख रहे हैं। मैं भी काश्तकारी करता हूँ, काश्तकार का बेटा हूँ, तो खेती बाड़ी के ऊपर कविताएं लिखी मैंने। बहुत बढ़िया, इस तरह से। बहुत बढ़िया, इस तरह से आपका काव्य पाठ शुरू हुआ। हाँ, तो बड़ा मंच भी आपने कहीं साझा किया? अभी तक तो बारह का डोल मेला और यहाँ बूंदी, ये यहाँ तक, और ग्रामीणों में, ग्रामीण अंचलों में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं इधर उधर, ये किए हैं अभी तो। बहुत बढ़िया। कोई कविता आपकी हो बताओ, सुनाओ हमारे दर्शकों को। हाँ जरूर। हाँ सुना। जूं जूं बढ़ती महंगाई जूं जूं बढ़ती महंगाई, यहाँ करसाना को काई कसूर, धरत्या राम महाराणा का जी सपना हो गया चकना चूर। जूं जूं बढ़ती महंगाई या करसाना रो काई कसूर, धरत्या राम महाराणा का जी सपना हो गया चकना चूर। खात बीज सब महंगो पड़तो, लागत फसला की कुण जाने, अरसी आला की ठंडी राता छिया मर पण कुण जाने, तपती धरत्या पड़े तावड़ो, करे रुखाले बण मजदूर, धरत्या राम महाराणा का जी सपना हो गया चकना चूर। जूं जूं बढ़ती महंगाइया करसाना रो काई कसूर, कड़ी जल महंगो लाइट महंगी, नून तेल में लागी आग, हाली बनर खींच तो जावे, लिखा विदाता कर्मा भाग, हर मेहनत कर मजदूरी मांगे,
पण कीमत नहीं मले भरपूर, धरत्यारा महाराणा का जी सपना हो गया चकना चूर। ज्यों ज्यों बढ़ती महंगाइयाँ, करसाना रो काई कसूर। साहूकार का काला कागज बक धरा करसाना की, साहूकार का काला कागज बक धरा करसाना की। ऊपर हालो राम रुखालो नीत्या ये सरकारा की। अर कर्जा में पासी पर चढ़बो, अखबारा आती होगी, कर्जा में पासी पर चढ़बो। दाता मत कर रे मजबूर, धरत्यारा महाराणा का जी सपना हो गया चकना चूर। ज्यों ज्यों बढ़ती महंगाइयाँ, करसाना रो काई कसूर। बहुत बढ़िया नालचंद जी, बहुत बढ़िया आपने किसानों के ऊपर ये कविता और जो उनका दर्द इस कविता में सुनाया, बहुत अच्छा लगा। आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? संस्थाओं जैसे मान लो कृषि खेत कल्याण संस्था भी है, हाँ उससे भी जुड़े हैं, या इसके अलावा भी कोई संस्थाएं जिनसे जुड़े हो? 12 में जो संस्थाएं चल रही है वो उनसे जुड़े हुए हैं। कृषि खेत कल्याण में अभी नहीं जुड़े, जुड़ेंगे उनसे भी जी, लेकिन उनके प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं अभी जी, आगे भी जुड़ेंगे उनसे। इन काव्य गोष्ठियों में आपको क्या मिलता है, मतलब सीख मिलती है? बड़े जो कवि या साहित्यकार आते हैं, आप अपनी रचना लिख के ले जाते हो, हाँ, तो उन कविताओं को सुनाते हो, फिर आपको वो सीख देते हैं? वो हमें सीख देते हैं, उनमें संशोधन करने के लिए कोई कहाँ गलती हो जी, या कोई दिक्कत आ रही हो तो इस तरह से वहाँ सीख मिलती। जैसे छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है ना, उसी तरह से वो क्लास के टाइप से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें। यानी कि ये जो साहित्य गोष्ठियाँ होती है, एक तरह से प्रथम पाठशाला है, प्रथम पाठशाला है ये साहित्यकारों की, हाँ ये होनी चाहिए। और इनसे सीख क्या, वो तो स्कूल टाइप ही जैसे क्लास में बच्चा अभ्यसत पढ़ता है ना, इस तरह से ये जरूरी है। अच्छा, तो ये कब से आपने शुरू किया, कितने साल हो गए आपको कविता पाठ करते हुए? कविता पाठ करते हुए तो 8-10 साल हो गए। अच्छा, तो आप क्या मानते हो आप लालचंद जी, क्या आगे भी बराबर लिखते जाओगे और लोगों को सुनाते जाओगे? नहीं, कविता तो लिखेंगे, कविता जीवन में लिखते ही रहेंगे, कविता नहीं छोड़ सकते। ये मतलब जुनून है आपका? ये तो जुनून है, कविता के बिना हम मैं जी नहीं सकता, इस तरह से कविता। तो जब आप जाते हो तो आपको जो दृश्य दिखता है उस दृश्य पे कल्पना के आधार पर आप कविता का सृजन करते हो, क्या मानते हो आप, किस हाँ, किस तरह की आपने कविताएं सृजित की? दृश्य कोई सा भी दिमाग में उभर जाता है, उस आधार पे वो शब्दों में ढालना पड़ता है और उसमें धुन के साथ में। अच्छा, तो कोई कविता और हो आप सुनाए हमारे? मुझे बहुत बड़ी खुशी है, जब चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंड हुआ था उस समय हुई, तो सभी देशवासियों ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। बिल्कुल, मैंने भी 2-4 लाइनें उनको बधाई देने के लिए लिखी थी, बहुत वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं वो सुनाता हूँ। हर तिरंगो चंदा पे लहरायो रे, करो गजब को काम देश को मान बढ़ायो रे। तिरंगो चंदा पे लहरायो रे, करो गजब को काम देश को मान बढ़ायो रे। हर मान बढ़ायो रे देश को, नाम बढ़ायो रे। तिरंगो चंदा पे लहरायो रे, करो गजब को काम देश को मान बढ़ायो रे। बार बार कोशिश कर तो
हिम्मत कदी न हारी, भारत ना, बार बार कोशिशा कर तो हिम्मत कदी न हारी, अरे इसरो और नासा न मिलकर खेली लंबी पारी, अरे यान चांद पे जा उतरायो रे, करो गजब को काम, देश को मान बढ़ायो रे, तिरंगो चंदा पे लहरायो रे, चंदारी धरत्या पे रोवर आगे बढ़तो जा रियो, चंदारी धरत्या पे विक्रम आगे बढ़तो जा रियो, हर नई खोज में पानी सोनो चांदी और बता रियो, हर खबरां मामा की ले आयो रे, करियो गजब को काम, देश को मान बढ़ायो रे, तिरंगो चंदा पे लहरायो रे, हर चीन पाक अमरीका भी ये हुआ घना हैरान, चीन पाक अमरीका भी ये हुआ घना हैरान, हर विश्व गुरु का पद प बढ़ती जा रही या पहचान, अरे डंको विश्व माई पुजवायो रे, करो गजब को काम, देश को मान बढ़ायो रे, तिरंगो चंदा पे लहरायो रे, अरे रोजगार का अवसर भी अब आगे बढ़ता जा रहा, रोजगार का अवसर भी अब आगे बढ़ता जा रहा, अर करसा की करसाणी में भी नया सोध अब आ रहा, अर मनड़ो सब को ही हरसायो रे, करो गजब को काम, देश को मान बढ़ायो रे, तिरंगो चंदा पे लहरायो रे। बहुत सुंदर कालचंद जी, आपने तो माइड भाषा में और कितना बढ़िया आपने वर्णन किया है देश का, जो ज्ञान चंद्रमा पे पहुंचा। हाँ, बहुत बढ़िया कविता आपने डाली अपनी माइड भाषा में और आम जन तक पहुंचाई, बड़ी खुशी की बात है लालचंद जी। और जब आप कविताएं या गोष्ठियों में जाते हो कविताएं पढ़ने, तो या कई आपका सम्मान उम्मान हुआ कोई उपलब्धि, जैसे गोष्ठियों में? गोष्ठियों में सम्मान भी हुआ और सम्मान यहाँ कोटा में भी हुआ था। अच्छा, तो सम्मान के हिसाब से तो ट्रॉफियाँ बहुत सारी, मतलब 15-20 ट्रॉफियाँ रखी हुई है जो सम्मान मिल चुके हैं। आपकी देखो इतनी कम समय में लेखन, काव्य लेखन में भी आपने इतनी बड़ी उपलब्धि पाई है, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि लेखन ही होता है जो आदमी को एक संबल देता है और आगे बढ़ाता है, और साहित्य के क्षेत्र में एक पहचान भी कायम होती है। हाँ लालचंद जी, ये जो आप कविताएं लिख रहे हो, इन कविताओं का एक संग्रहण करके कोई किताब निकालने की योजना है क्या आपकी? हाँ योजना थे, लेकिन अभी तो कविताएं कागज़ के टुकड़ों में है, कभी इधर पड़ी है कभी उधर पड़ी है, उनका एक मतलब संग्रहण करोगे? संग्रहण नहीं हो पा रहा, मतलब जैसे जेब में रखी है, कहीं कितनी कॉपी में रखी है, कभी बटुए में रखी है, तो अब जहाँ भी जाते हैं कविता बोलने में ये के दो कविता या तीन कविता में, यानी कि चलती फिरती मोबाइल लाइब्रेरी है आपकी। हाँ, जहाँ भी जाओ कागज निकालो कविता पढ़ दो। हाँ, हम ये चाहते हैं लालचंद जी कि आप भी आपकी जो लिखी हुई कविताएं एक संग्रहित हो, और आपकी जो रचनाएं बहुत सुंदर और रचित और समाज को सही दिशा देने वाली मतलब रचनाएँ हैं, तो एक जगह एकत्रित करें उसको, और अकादमियों का जो सहयोग मिलता है उसके माध्यम से आप अपने पुस्तक का प्रकाशन करवाएं, क्योंकि ये आर्थिक संबल भी देती है ना, कुछ लोगों से जानकारी लेके किस तरह इसका प्रकाशन होता है, हम ये चाहते हैं।
लालचंद जी, और एक कविता हमारे दर्शकों को सुनाओ। हाँ जरूर। एक गोरी पणगट पानी भरती, नैना सूका जड़ी और रड़के मनड़ो हरती। अर गोरी पणगट पानी भरती, नैना सूका जड़ी और रड़के मनड़ो हरती। अर मनड़ो हरती रे या मनड़ो हरती, सोरम जो बन की बखरती, नैना सूका जड़ी और रड़के मनड़ो हरती। अर पहर नेट की साड़ी माई पानी भरबा चाली, आदो डील उगाड़ो दिख बुडारा कसाली। कामण मोट्या राप करती, नैना सूका जड़ी और रड़के मनड़ो हरती। गोरी पणगट पानी भरती, हर घणी रूपाली थारी काया जू लागे मतवाली। गोरा गाल गुलाबी दमके नाक माई ने बाली। अर बोतल बियर लाग झरती, नैना सूका जड़ी और रड़के मनड़ो हरती। लेंगा ऊपर मोर मंडा लाई पेशन माई जाती, आदो गूंगट खाड फरचे शर्म जरा नहीं आती। अर बिमल बकरी जइया चरती, नैना सूका जड़ियो रड़के मनड़ो हरती। अर कमरिया ऊपर चोटी लटके और नराली चाल, बीसिया गजरा बांध गुमती काई सुनाऊ हाल। अर मूरत मनड़ा में उतरती, नैना सूका जड़ियो रड़के मनड़ो हरती। हे गोरी पणगट पानी भरती। बहुत बढ़िया, आपने गाँव का जो एक श्रृंगार इसमें शामिल है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गीत आपने सुनाया। और हम ये चाहते हैं कि ऐसा ही आप लिखते रहें और जनता के सामने, मतलब आपका सभी रस जाए, क्योंकि आपने आपके गीतों में किसान की समस्या भी आपने रखी है। हाँ। इसके अलावा भी गांव का जो एक स्वरूप होता है उसको भी आप सामने लाए हो। हाँ। तो अब आपका देश की तरक्की के बारे में भी कविता होनी। हाँ, देश के तरीके के बारे में भी कविता होनी के आपने अलग अलग विषयों में कविताएं लिखी, और भी आगे क्या लिखना चाहेंगे आप? सामाजिक कविताएं ज़्यादा लिखेंगे हम। समाज को प्रेरणा देने लायक ही कविता सही रहेगी, बाकी तो ज़्यादातर समाज के बारे में लिखना पड़ेगा। अच्छा। इससे समाज में सुधार आएगा, जिसे दहेज प्रथा और आजकल शादी ब्याह में बहुत दहेज प्रथा का बहुत प्रचलन होने लगे। हाँ, बहुत कुरीतियाँ आगे बढ़ने लगी। पहले बीच में तो मुझे लगता था कि कम हो गई, लेकिन अब दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा दिख रही है गरीब श्रेणी के लोगों में। बिल्कुल, यानी जो आज ये कुरीतियाँ हैं इनको ख़त्म करना आप कविताओं के माध्यम से जनता तक इन कुरीतियों का जो वो जनता तक आप कविताओं के माध्यम से पहुँचाओगे। लालचंद जी, जाते जाते एक कविता और सुना जाए। नैना का जड़ी यो रड़काती, मुखड़ो लवली सू चमकाती, चुड़लो हाथारो खन खाती, मनड़ो सबको हर साती, भीनणी जद घर में आती। ओ नैना काजलियो रड़काती, मुखड़ो लवली सू चमकाती, चुड़लो हाथारो खन खाती, मनड़ो सबको हर साती, भीनणी जद घर में आती। गाड़ी रा दो पाया बिनिया कया जिंदगी चाले, हर सूना लागे तीज दशहरा आंगणियों भी साल।
अरे सुना सुना है गरबार सुनी मनडारी मनवार फीका लागे सब त्योहार कुण सू करे प्रेम बाती भिन्नी जद घर में आती हो नैना काजलियो रड़काती मुखड़ो लवली सू चमकाती चुड़लो हाथा रो खनकाती मनड़ो सबको हर साती भिन्नी जद घर में आती। अगर घर में आओ तो कायो कमाल खेत रो काम बढ़ाती भाभी तारे साथ में अर पतड़ो बाँच बता जोशी अब काई लिखोड़ो भाग में अर सुना लाग खेत खलान सुना लाग खेत खलान घर हाली सुमल पचान आंगणे तुलसी उग आती भिन्नी जद घर में आती हो नैना काजलियो रड़काती। बहुत 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 सुंदर गीत आपने सुनाया लालचंद जी, जिसमें दोनों पुटते जिसके घर में भिन्नी नहीं आए और जो जिसके घर में आए आ जाए तो कैसा महसूस। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गीत आपने, और ऐसे ही हम चाहते हैं ऐसे गीत आप समाज के लिए लिखते रहें ताकि समाज जागरूक हो और कुरूतियाँ खत्म हो। ये थे लालचंद जी सुमन कवि, उभरते कवि। इन्होंने समाज में जो व्याप्त कुरूतियाँ हैं उनको उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए इनकी रचनाएं इन्होंने पढ़ी, और इनका मन भी यही है कि आने वाले समय में भी सामाजिक परिवेश की कविताएं हम लिखें ताकि जनता जागरूक हो। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।